बीजेपी के कौमी तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने कहा कि हम तेलंगाना इंतखाबात जीतने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं, तरक्की सिर्फ डबल इंजन वाले इंजन से मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है, बीजेपी ने तेलंगाना की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि रियासत में आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का इख्तदार में आना तय है। पार्टी जो है, पार्टी विद डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है हर स्टेट में कि पार्टी विद डिफरेंस, इसलिए कि हम जनता की सोच और जनता के लिए सोच और समर्पित होकर सेवा करने का भाव रखते हैं। लेकिन वहीं आप देख लीजिए, चाहे बीआरएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाज सऊदी नवेसी की पार्टी जो है, मजलिस पार्टी हो, ये सब सिक्के के एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनकी चिंता जो रहती है वो परिवार की चिंता रहती है, परिवार के लोगों की चिंता रहती है, और कैसे भ्रष्टाचार किया जाए उसकी चिंता होती है, खुद की झोली झोली भरने की चिंता रहती है। आप देखिए, तेलंगाना मूवमेंट चला, तेलंगाना प्रदेश बना, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। किस लिए कुर्बानियां दी? इसलिए कुर्बानी दी, किसी एक परिवार के पास उसको लाइसेंस दे दो यहाँ का भ्रष्टाचार करने का। हमने तेलंगाना, हमारी पार्टी ने तेलंगाना मूवमेंट को सपोर्ट किया, तेलंगाना में जब भी लाया उसको सपोर्ट किया। इसलिए क्या कि यहाँ के तेलंगाना में रहने वाले